हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे होंडाई एक्स्ट्रा के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में बात करने वाले कार के बारे में। ये यहाँ पर इसका SX वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है मैनुअल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल के अंदर। गाड़ी के फ्रंट से ये इसका यहाँ पर SX वेरिएंट तो इसकी लुक जो फ्रंट से आपको देखने पर लगेगी ना, थोड़ी थोड़ी जो है ना डिफेंडर से देखने पर थोड़ी थोड़ी इसकी लुक है ना सिमिलर लगती है। पर गाड़ी छोटी है, पर इसकी फ्रंट की जो लुक है ना, एक तरीके से आप देखोगे तो डिफेंडर जैसे देखने पर मुझे यहाँ पर लगी है। फ्रंट में यहाँ पर हुंडई का लोगो मिल जाएगा जो कि आपको सिल्वर फिनिशिंग में है। यहाँ पर एक्स्ट्रा की बैजिंग मिल जाती है बड़ी बड़ी, जो देखने पर काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है आगे की तरफ पूरा, और जो ऊपर की तरफ एच शेप में इसके DRLs दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने पर। नीचे की तरफ आपको लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और गाड़ी के नीचे भी देख सकते हैं इसकी प्लेट जो है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिट एंड फिनिशिंग दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन दिया गया है हर जगह पर। तो गाड़ी की लुक्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्रंट से देखने पर लगते हैं। अगर पंच की बात करोगे, पंच से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक्स मुझे इसके लगे हैं यहाँ पर पर्सनली देखने पर, क्योंकि जो पूरी लुक्स है ना मिलने में देखने पर डिफेंडर जैसी बिल्कुल मुझे यहाँ पर लग रही है। नीचे है पर डिफेंडर जैसी लुक जो है ना फ्रंट से निकल के आ रही है, बिकॉज इसका जो ये वाला एरिया है पूरा डिफेंडर जैसे देखने पर यहाँ पर लग रहा है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से यहाँ पर गाड़ी की लुक्स देखूंगा ना, कुछ इस तरीके से साइड की गाड़ी की लुक्स आ रही है। साइड से भी बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग गाड़ी देखने पर लग रही है, और मतलब साइज़ जो है ना गाड़ी का काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पंच। काफ़ी बड़े साइज़ की गाड़ी यहाँ पर है, देखने पर काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है। और यहाँ पर जो इसके व्हील्स है वो आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिलते हैं। SX वेरिएंट है, 15 इंच के यहाँ पर अलॉय व्हील्स इसके अंदर दिए गए। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 175/65 R15 की यहाँ पर टायर प्रोफाइल दी गई है। बीच में हुंडई का लोगो मिल जाएगा, और जो अलॉय का डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर देखने पर लगता है। और यहाँ पर आप प्लास्टिक की साइड में क्लाइडिंग देखने के लिए मिल जाती है। साइड के जो ORM है उसके देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलता है जो कि फिर से आपको यहाँ पर यू शेप में दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपने पहले हुंडई की वेन्यू वगैरह में भी देखा होगा। अब बात करें गाड़ी की रूफ़ की, तो यहाँ पर सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर दिया गया है। रूफ रेल्स भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स यहाँ पर दी गई है। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना भी इसमें मिल जाता है। और ड्राइवर साइड डोर पे यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। और पीछे से गाड़ी की लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके की देखने पर लग रही है। ऊपर से इसकी गाड़ी की जो है ना लुक, जो ऊपर से रूफ पूरी ब्लैक है, और बैक से यहाँ पर गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। अगर बात करें गाड़ी के डाइमेंशंस की, तो लेंथ गाड़ी की जो है वो है 815 की, इस गाड़ी की लेंथ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। विड्थ है 1710 की, और जो गाड़ी का हाइट है वो है 1631 की। तो हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी और वेट भी। व्हील बेस इस गाड़ी का 2450 है। व्हील बेस इसे बोलते हैं कि जो फ्रंट टायर से लेके और रियर टायर तक जो जो जितना भी डिफरेंस रहता है उसकी वजह से आपके इंटीरियर का जो गाड़ी का स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो वो भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, जिससे इंटीरियर का लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो बेसिक वेरियंट से आपको होंडा ही अपनी बेस वेरियंट जिसका आता है वहीं से आपको 6 एयर बैग प्रोवाइड कराता है, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। पीछे की तरफ यहाँ पर शार्क फिन एंटीना आ जाएगा। यहाँ पर स्पॉइलर टाइप स्पॉइलर दिया गया है, हाई स्टॉप माउंट लाइट भी है, में डिफोगर यहाँ पर वाइपर दिया गया है। नीचे तरफ हुंडई का लोगो, रिवर्स कैमरा इसमें मिल जाता है आपको। और पीछे की तरफ यहाँ देख सकते हैं आपको पार्किंग सेंसर मिलता है 2, और यहाँ पर SX की बैजिंग मिल जाएगी। जो गाड़ी की टेल लाइट्स है वो भी फुली LED यहाँ पर दी गई है, एच शेप में LED टेल लाइट्स यहाँ पर दी गई है गाड़ी के अंदर। अब बात कर ले गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर, इंटीरियर में चलने से पहले गाड़ी के इंजन की बात कर ले। और यह है इस कार का इंजन जो कि पेट्रोल के अंदर आता है सिर्फ, और 1.2 लीटर का कापा इंजन है इसके अंदर। 81 BHP पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM के अंदर, और 113 आपको NM का टॉर्क मिलता है 4000 RPM के अंदर। 4 सिलेंडर इंजन है जो कि आपको पहले आपने देखा होगा हुंडई और गाड़ियों में भी आता है, 20 वगैरह में, उनके अंदर भी आपको सेम इंजन मिलता है। कुछ इस तरीके का इंजन है यहाँ पर गाड़ी के अंदर। एक्साइड की बैटरी दी हुई है कंपनी ने, और इंजन की प्लेसमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से दी गई है। तो इंजन की पावर वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, 81 BHP निकालता है, 113 NM का टॉर्क भी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी अच्छी इंजन की पावर वगैरह है। बोनट के नीचे कोई भी इंसुलेशन यहाँ पर नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हुंडई के जो इंजन होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा रिफाइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू टाटा हो गया या फिर आपकी अदर कंपनीज होगी जिनमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलते हैं। तो ये तो भी गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं इंटीरियर्स आपको किस तरीके का मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो डोर पर यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। यह है इस गाड़ी का फ्रंट डोर जो कि आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ ब्लैक कलर का दिया गया है पूरा। यहाँ पर 4 पावर विंडो के स्विच, ड्राइवर साइड 1 टच डाउन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लॉक अनलॉक अपनी गाड़ी के जो साइड के ORM वो भी आप ऑटो एडजस्ट ऑटो फोल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरफ बोटो होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा। गाड़ी की मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो की आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, यहाँ पर 2 कीज़ मिलती है जो किसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी का इंटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर जो सीटें हैं वो सेमी लेदर के साथ यहाँ पर सीटें दी गई। साइड में यहाँ पर लेदर आपको मिल जाएगा, और बीच में यहाँ पर पूरी सीटें फैब्रिक की है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया। नीचे की तरफ यहाँ पर हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है मैनुअली। इंटीरियर के अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का। एक बार मैं लाइटें ऑन कर देता हूँ।
और तो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। स्टीयरिंग कुछ इस तरीके का मिलता है, जो कि आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक फीचर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ टिल्ट आप इससे कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग मिलता है लेदर कवर के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में म्यूजिक सिस्टम के सभी कंट्रोल्स इसके अंदर दिए गए। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, MID कंट्रोल्स दिया गया है। MID देख सकते हैं फुली डिजिटल इसके अंदर दी गई, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। भाई वेन्यू वगैरह में भी देखने के लिए मिलती है। ये इस गाड़ी के AC वेंट्स है, जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि आपने सेम ही आपने i10 वगैरह में भी देखे होंगे। यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर कैमरा आप व्यू कर सकते हैं इसका। और ये इस गाड़ी का हेड अप डिस्प्ले है, जो कि आपका टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ आता है, और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है। और ये भी काफ़ी स्मूथली यहाँ पर वर्क करता है कुछ इस तरीके से। इसमें नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। और ये है इसका ऑटो कैम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें कंपनी से ही डैश कैम भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। ये पूरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और ये अंदर की तरफ भी रिकॉर्ड करता है इसके अंदर। तो आपने पहले गाड़ियों में देखा होगा कि डैश कैम जो रिकॉर्ड करते थे, जो आते भी थे, वो बाहर की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर आफ्टर मार्केट ही लगवाते हैं लोग, पर इसके अंदर बाहर के साथ साथ अंदर भी रिकॉर्ड करते हैं। देख सकते हो उसके अंदर आप अंदर की तरफ भी रिकॉर्ड कर रहा है। नीचे की तरफ आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं फोन चार्ज करने के लिए, और USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं। और साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये मुझे यहाँ पर लगे। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ में आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है। डैशबोर्ड देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है कोपे के अंदर, पर ड्राइवर साइड पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। रूफ में यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, और ये इस गाड़ी का सनरूफ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो काफी अच्छे साइज का, बड़े साइज का सनरूफ इसके अंदर दिया गया, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड भी बंद भी हो जाता है। तो ये मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा। सनरूफ वगैरह काफी अच्छी चीज के अंदर दिया गया, फीचर्स काफी अच्छे है गाड़ी के अंदर। चलते रियर सीट की तरफ, मैं सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ एक बारी। अब चल के मैं दिखाता हूँ आपको रियर में कितना स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। तो डोर जो है ना गाड़ी की, बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है, लगनी चाहिए। प्लास्टिक क्वालिटी तो खैर रहती है हुंडई की बढ़िया हमेशा से ही, जो मैं कहता हूँ प्लास्टिक क्वालिटी हुंडई की बहुत ही बेटर रहती है, और फिट एंड फिनिशिंग भी। यहाँ पर रियर डोर देख सकते हो कुछ इस तरीके का, पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा यहाँ पर, नीचे से बोटल होल्डर का स्पेस और स्पीकर मिल जाता है यहाँ पर। और रियर में देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्पेस वगैरह मिलता है। यहाँ पर रियर के अंदर जो है ना एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए गए हैं, पार्सल ट्रे यहाँ पर मिल जाती है, पर इसके अंदर ना कोई भी आर्म रेस्ट इसके अंदर नहीं दिया गया है। स्पेस मैं दिखाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ स्पेस। स्पेस देख सकते हैं, मैंने सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर, बहुत ही बेटर स्पेस है, और थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा गाड़ी के अंदर दिया गया है। रियर में भी आपको AC वेंट मिल जाएगी, यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाती है ऊपर रूफ में, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, 3 एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल दिए गए, ड्राइवर साइड नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रियर से इंटीरियर गाड़ी का देख सकते हो जिस तरीके का लगता है देखने पर, काफ़ी बढ़िया है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी आपको दिखाता हूँ। बूट भी बहुत ही हैवी है गाड़ी का। यहाँ पर बूट स्पेस देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी, और बूट स्पेस का जो साइज़ है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कितना बड़ा है, मतलब इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा है आपका, जो आपकी पंच वगैरह है उन सबसे बड़ा है। आई थिंक सोनेट वगैरह से भी बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर आता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर दिया गया है बूट के अंदर भी। और नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील इसके अंदर मिल जाएगा। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील जो इसका होगा ना, वो 6 इंच छोटा स्पेयर व्हील दिया गया है, 155/70/R16 का स्पेयर व्हील दिया गया है। तो 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील इसके अंदर दिया गया है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा कवर करके दिया गया है। यहाँ पर आप बूट कुछ कुछ तरीके से बंद करके बंद भी कर सकते हैं। तो गाड़ी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और प्राइसिंग वगैरह भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ऑन रोड प्राइस उसका गाज़ियाबाद में है, वो आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहा होगा कितना कुछ है, और एक्स शोरूम वगैरह भी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो के अंदर थैंक यू सो मच।